विविध उद्देश्य समाज सेवा समिति गुलबर्गा के अध्यक्ष व प्रमुख समाज सेवी साजिद अली रंजोलवी ने गुलबर्गा के इलाका हागरगा रोड में स्थित वरिष्ठ पत्रकार हकीम शाकिर के कार्यालय पहुंचे और उनकी पत्रकारिता साहित्यिक व सामाजिक सेवाओं को स्वीकार करते हुए हकीम शाकिर को शाल व फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया और उन्हें डॉक्टर अल्लामा इकबाल पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर साजिद अली रंजोलवी के अलावा सादिक अली, इंजीनियर अब्दुल सलीम, डॉक्टर अब्दुल करीम और वजीफा याब सहायक निदेशक विकास मकबूल अहमद शाबादी ने भी हकीम शाकिर की पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों के लिए उनकी खूब प्रशंसा की। इस आयोजन के अन्य महत्वपूर्ण प्रतिभागियों में डॉक्टर अफसर पाशा, इंजीनियर मोहम्मद आरिफ जफर, इंजीनियर मोहियुद्दीन अफरोज, मोइनुद्दीन कल्याणकर और विश्व प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल शामिल थे। गौरतलब है कि हकीम शाकिर को उक्त डॉक्टर अल्लामा इकबाल पुरस्कार 9 नवंबर को गुलबर्गा में आयोजित एक समारोह में अन्य पुरस्कार विजेताओं के साथ प्रदान किया जाना था, लेकिन उस दिन उनके किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए हैदराबाद जाने के कारण स्थगित कर दिया गया था और उनके वापस आने के बाद उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी सेवाओं की मान्यता में उन्हें विविध उद्देश्य समिति द्वारा डॉक्टर अल्लामा इकबाल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर गुलबर्गा के सभी शायरों, लेखकों और बुद्धिजीवियों के अलावा शायर व लेखक को एंकर मुस्तफा आदिल ने खुशी जाहिर करते हुए हकीम शाकिर को बधाई दी है और साजिद अली रंजोलवी के इस कदम की सराहना की है। विविध उद्देश्य समिति गुलबर्गा के अध्यक्ष साजिद अली रंजोलवी ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी।